वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यूपी आईटीआई एडमिशन 2019 मैं आपको मॉर्निंग में ही अपडेट दे चुका हूं, क्योंकि यूपी ने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग की सीट अलॉटमेंट जो है कर दी है। आप लोगों को सीट अलॉट कर दी गई है। कैसे जो है सीट अलॉटमेंट आपको चेक करनी है, ये मैं आप लोगों को मॉर्निंग में सबसे पहले बता चुका हूं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मेंशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कॉल लेटर बता दो, सर हमारा नंबर आ गया, आगे का प्रोसेस क्या है, सर हमारा नंबर नहीं आया, आगे का प्रोसेस क्या है, सर हम जो है सीट को फ्रीज करवाना चाहते हैं, सर इसका ऑप्शन क्या है, सर हम जो है इसी सीट को लेना चाहते हैं, इसका ऑप्शन क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ये वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और इस वीडियो को मैं अपने दूसरे वाले चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मैं पहले साइट पे आपको लेकर चलता हूं जहां से आपको जो है अपना रिजल्ट देखना है। तो ये जो है ये साइट है, दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहां पर गवर्नमेंट का अलग है और प्राइवेट का अलग है, आप दोनों में जाकर चेक कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट वाला है और इसके पीछे ही मैंने आपको प्राइवेट वाला दे रखा है। ये प्राइवेट वाला जो है आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर जो है आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपनी DOB डालनी है और कुछ नहीं डालना। सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक प्रिंट आउट आएगा, और आई थिंक जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं गई है वहाँ पर उन बच्चों को प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जैसे ही मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर DOB डाली है, उसके बाद मेरे सामने जो प्रिंट आउट आया और जो सीट मिली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये आरती मैम है, इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। इन्होंने जो मुझ पर विश्वास रख के अपनी ID और DOB मुझे कमेंट बॉक्स में दी और अपना रिजल्ट दिखाने की यहाँ पर मुझे अनुमति दी। इन्हीं की तरह और भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अनुमति दी अपना जो है कॉल लेटर निकलवाने की, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कॉल लेटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और जिन बच्चों का यहाँ पर फर्स्ट सीट में नाम आया है उनको आगे का प्रोसेस क्या फॉलो करना है ये भी सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ITI का नाम आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपका जो है नाम आया, जो आपने फिल किया था उसी ITI में आपको मिला है। सबसे अच्छी बात है कि मैम को कोपा मिला है, और वो भी NCVT में। देखो भाई, कोपा वाले जो बच्चे हैं मैं जानता हूँ, आगे उनको क्या करना है ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कोपा में आपका नाम आया मैम, आप मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए क्लासेस भी चलाऊंगा, चाहे वो कोपा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे वो मशीनिस्ट हो, चाहे वो ड्रॉट्समैन हो, कोई सी भी ट्रेड हो, लेकिन वो फ्यूचर प्लान है। अभी पहले आप अपना ITI में जो है प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर लो, और इस ट्रेड को चेंज मत करवाना मैम, आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रेड है, आपको मैं रिकमेंड करूँगा। क्योंकि गर्ल्स के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रेड मैं बोलता हूँ वो कोपा ही बोलता हूँ, ठीक है। लड़कों के लिए तो इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ठीक है, बहुत सारी ट्रेड्स हैं लड़कों के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए जो है यहाँ पर कोपा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है, ठीक है। तो मैम आप सीधा जाओ ITI में, अपनी सीट को फ्रीज करवाओ, परमानेंट वाली फ्रीज, ठीक है। ये आपको फिक्स करवाना हो अपना एडमिशन ले लेना है, ठीक है। ये इनकी कैटेगरी लिखी है और यहाँ पर जो है इनकी और भी डिटेल्स है, इस पर ज़्यादा मैं गौर नहीं करूँगा। एक चीज़ देखें, आप लोगों को आई थिंक डेट में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं आपके जो एप्लीकेशन लेटर है, बाकी हो या ना हो इट डिपेंड्स ऑन योर कॉल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रवेश की अंतिम तिथि 5/4/2019 से पहले पहले अपने जो है ITI में जाएं, जहाँ पर जो आपका ITI का नाम दिया है ऊपर, ठीक है, आप लोगों का यहीं पे मेंशन होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर साफ साफ बोल रखा है आप विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, NCVT हो, NCVT में जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है, वैसे इनका तो NCVT में हुआ है, तो यहाँ पर विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप प्लीज़ अपने ITI में चले जाओ, फोटोज़ भी लेके जाना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे लेकर चले जाना फोटो कॉपीज़ के साथ, ताकि कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान से सुनना भी, ठीक है, ये फ़ी का कुछ पार्ट है, फ़ी आप देख लेना कितनी ये बोल रहे हैं, 300 रुपये समथिंग बोल रहे हैं, बाकी थोड़े ज़्यादा ही लेके जाना, हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पर और भी खर्चा बैठे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो भाई अभी फोकस मेरा इसलिए चल रहा है एडमिशन पे, क्योंकि यार यूपी के, दिल्ली के और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। MP की अपडेट अभी नहीं आई है, तो MP के लिए आप वेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझे, ये नोट, ये क्या बोल रहे हैं, आपको संस्थान में प्रवेश के समय अपग्रेडेशन प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। आप लोगों का अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आया है तो आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप जाते हैं तो दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक तो फ्रीज स्थिर वाला यानी आपको फिक्स्ड वाला, और एक जो है फ्लोट वाला। दो तरीके हैं, एक मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से आपको ब्लैंक वाले पार्ट पे, दो तरीके हैं, ठीक है। आपको ITI एडमिशन लेना है फ्रीज, फ्रीज जो है आपके दो तरीके के हैं, एक तो फिक्स्ड और एक जो है आपका फ्लोट।
फिक्स्ड में क्या है, अगर आप फिक्स्ड करवा लेते हैं तो फिक्स्ड में क्या होगा कि नेक्स्ट काउंसलिंग में आप जो है नहीं जाएंगे, नेक्स्ट काउंसलिंग में आप जो है यहाँ पर आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सीट जो है आपकी फिक्स्ड हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं, जैसे मैम का कोपा में नंबर आए तो समझो कोपा का मैम का फ्रीज हो जाएगा और फिर ये नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन और है, ये फ्लोट वाला, ये क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको लेना था कोपा लेकिन उनका आ गया मशीनिस्ट, एक बच्चे को लेना था इलेक्ट्रिशियन लेकिन उसका आ गया फिटर। तो फ्लोट वाला ऑप्शन क्या है कि आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली सीट भी नहीं जाए, अगर मेरा सेकंड काउंसलिंग में नंबर नहीं आता तो मैं फर्स्ट काउंसलिंग में बैठ जाऊं। तो इसमें क्या है कि अगर आप चाहते कि ऐसा ऑप्शन आपको फॉलो करना पड़े तो आपको फ्लोट वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली सीट भी बनी रहे और आप सेकंड काउंसलिंग में भी पार्ट कर लें तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेड आपको पहली काउंसलिंग में अच्छी मिल गई तो आपको ये वाला पार्ट चूज करना पड़ेगा, फ्रीज स्थिर वाला, जिसमें आपकी ट्रेड फिक्स हो जाएगी और आपको जो है यहाँ पर ये ट्रेड में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। दो ऑप्शन है, अब आगे पढ़ो। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आप जो है मतलब आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आ गया, ठीक है, और आप नहीं जाते हैं आईटी में, तो जो सीट आपको पहली काउंसलिंग में मिली है वो आपको जो है नेक्स्ट में नहीं मिलेगी, मतलब खत्म हो गया, आप फिर नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे बट आपकी पहली वाली सीट चले जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज़ इन्होंने दे रखी है, यही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। तो जो चीज़ें थी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी है, और ये लेटर ज़रूर लेके जाना, ठीक है। अपग्रेडेशन का प्रोसेस वही आपको बताएंगे जो आपके आईटीआई के हैं। मैं आपको एक और लेटर दिखा देता हूँ एक बच्चे का, ये एक और बच्चा है राहुल यादव, तो राहुल यादव बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में नंबर आया, कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल जी आपको, आप अपनी रैंक देख लो, आपकी जो है यहाँ पर आपको भी 5/8/2019 को जाना है, जन्मतिथि आपकी NCVT में नंबर आया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अच्छी ट्रेड है, बेकार मत समझना, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको जो है इलेक्ट्रिकल बेस पे तैयार किया जाएगा, एक अच्छी ट्रेड है। फिर भी अगर आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्ट लेना है तो इस सीट को फ्लोट तरीके से फ्रीज करवा लो, फिक्स्ड वाला मत करवाना, एक स्थिर है एक फ्लोट है, तो फ्लोट तरीके से आप फ्रीज करवा लो और फिर नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल जाओ, लेकिन बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई ऐसा मत सोचना कि आपका मान लो ये ट्रेड आपको नहीं चाहिए थी, आपका इसमें एडमिशन हो गया, भाई मैं ऐसी रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको ये ट्रेड नहीं चाहिए थी, आपका एडमिशन इसमें हो गया, तो वो बेकार है भाई, आप लोगों का यही बोलूँगा, जो मन था वही करें। जैसे अगर इस बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में मन है तो ही करें, अगर उस मैम का जो कुशवा मैम है अगर उनका मन वहाँ पर कोपा ट्रेड में तो ही करें, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मशीनिस्ट ट्रेड में एडमिशन यहाँ पर ले चुके हैं, जिनका मशीनिस्ट ट्रेड में जो है एडमिशन हो गया है, उनको यही बोलूँगा अगर आपको मशीनिस्ट ट्रेड पसंद नहीं है तो भाई उसको फ्रीज करवा लें फ्लोटिंग वाला और नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऐसे, मैंने आपको आगे का प्रोसेस बता दिया, 5/8/2019 से पहले आप जाएं अपनी जो है सीट को रिजर्व करवाएं फ्लोटिंग तरीके से या फिक्स तरीके से, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आज फोकस इसलिए ज़्यादा इस चीज़ पर रह रहा है क्योंकि आज जो है काउंसलिंग डेट्स आई है, दिल्ली की अपडेट मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, MP की पेंडिंग है, हरियाणा की पेंडिंग है, गुजरात की पेंडिंग है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी अभी पेंडिंग है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे गलती से भी मिस ना हो। धन्यवाद। इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं।